हम इंसानों का एग्जिस्टेंस डरावना और कंफ्यूजिंग है। कुछ लाख साल पहले हमें चेतना आई। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। हमने अपने आप को एक अनजान और नई जगह पे पाया। ये जगह दूसरे जानवरों से भरा पड़ा था। कुछ को हम खा सकते थे, कुछ हमें। हमारे पास तरल पदार्थ था जिसे हम पी सकते थे। ऐसी चीजें थी जिससे हम नई चीजें बना सकते थे। दिन के समय एक छोटा पीला गोला हमारे चमड़े को गर्म रखता था। वहीं रात का आसमान खूबसूरत रोशनी से भरा पड़ा था। ये जगह पक्का हमारे लिए ही बनी थी। हमें कोई तो देख रहा था। हम अपने घर पे थे और इसने सारी कंफ्यूजन और डर दूर कर दी। पर जैसे जैसे हम पुराने हुए, हमने अपनी दुनिया और खुद के बारे में उतना ही ज्यादा सीखा। हमने सीखा कि चमकती हुई रोशनी इतनी खूबसूरती से हमारे लिए नहीं चमक रही है, वो बस चमक रही है। हमने सीखा कि हम ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है और ब्रह्मांड हमारी सोच से कई गुना ज्यादा पुराना है। हमने जाना कि हम अरबों छोटे मरे हुए चीजों से बने हैं जो मिलकर किसी कारणवश एक जीवित प्राणी बनाते हैं। और हमने ये जाना कि हम एक ऐसे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं जिसका इतिहास अरबों साल का है। हमने ये सीखा कि हम एक छोटे से बिंदु पर रहते हैं जो एक मीडियम साइज स्टार का चक्कर लगाती है। ये स्टार एक एवरेज साइज गैलेक्सी में पाया जाता है और वो गैलेक्सी खुद एक गैलेक्सी ग्रुप, सो कॉल्ड लोकल ग्रुप का पार्ट है जिसमें कई अन्य गैलेक्सीज हैं। और खुद ये गैलेक्सी ग्रुप भी लाखों में से एक गैलेक्सी ग्रुप है जो एक साथ मिलकर एक गैलेक्सी सुपर क्लस्टर बनाते हैं। और ये सुपर क्लस्टर भी लाखों में एक है जो सभी साथ मिलकर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनाते हैं। ब्रह्मांड इससे अरबों गुना बड़ा हो सकता है, पर हम अभी नहीं जान सकते हैं। हम बस एनालाइज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 2 खरब तारे या फिर गैलेक्सीज हैं, पर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। हमारा दिमाग अभी इस कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा, लेकिन आकार ही सबसे परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वास्तव में सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कॉन्सेप्ट है टाइम, या फिर स्पष्ट रूप से कहें तो समय, जो आपके पास है। अगर आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप 100 वर्ष तक जिंदा रहेंगे तो आपके पास 5200 सप्ताह का समय है, और अगर आप ऑलरेडी 25 साल के हो चुके हैं तो आपके पास 3900 सप्ताह का समय है, और अगर आप 70 वर्षों तक ही जी पाएंगे जो ज्यादा संभव है तो आपके पास सिर्फ 2340 सप्ताह का समय है। काफी ज्यादा समय, पर उतना भी नहीं। फिर क्या, इसके बाद आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस टूटना शुरू हो जाएगा और आपका गतिशील जीवन रुक जाएगा, और आपका शरीर तब तक डिसॉल्व होगा जब तक आप नहीं रहोगे। कुछ लोग मानते हैं कि हमारे लाइफ के बाद भी कुछ है, पर हमारे पास अभी कोई तरीका नहीं है उसे पता करने का। तो हो सकता है कि आपका जीवन बस यहीं तक होगा और उसके बाद आप हमेशा के लिए मर जाओगे, हमेशा के लिए। ये जितना डरावना सुनने में लग रहा है, वास्तव में ये उतना है नहीं। अगर आप अपने जन्म के पहले के 13.7 अरब सालों को नहीं जानते हैं तो खरबों साल जो आपके जाने के बाद आएंगे वो बस कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगे। अपनी आंखें 1 सेकंड के लिए बंद कीजिए और खोलिए। दैट्स हाउ फॉरएवर फील्स। और जैसा कि अभी तक हम जानते हैं कि अंत में ब्रह्मांड खुद मर जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, और इसके बाद कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। यह वीडियो आपको लग रहा होगा कि ये आपके अस्तित्व पे सवाल उठा रहा है और आपको भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फील हो रहा होगा, तो इसलिए हम आपको एक अलग तरीके का नजरिया देना चाहेंगे, एक फिलोसॉफिक पॉइंट ऑफ व्यू। दरअसल हम एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म के रूप में जान सकते हैं। आखिर इसका मतलब क्या है? अगर इसे शॉर्ट में जाने तो आप बस ये समझ लो कि इसकी काफी कम संभावनाएं हैं कि ये सब कुछ, ये खरबों तारे हमारे लिए बने हैं। एक तरह से ऐसा लगता है कि एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व ने हमारे साथ सबसे बड़ा गेम खेला है। हम खुद जागरूक हुए बस ये रियलाइज करने के लिए कि ये पूरी कहानी हमारे लिए है ही नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ने में मजा तो आता है, पर विज्ञान भी इसे कम डिप्रेसिंग नहीं बना पाता है। ओके, तो अब क्या? हमारे पास एक ही छोटा सा जीवन है जो सुनने में डरावना लगता है और इट मे बी लीड्स टू डिप्रेशन, लेकिन अगर आप दूसरे नजरिए से देखें तो ये आपको आजादी भी देता है, हर चीज की आजादी। आइए समझते हैं। अगर ब्रह्मांड किसी न किसी दिन मर जाएगा तो आपने अपने जीवन में जो भी कुछ सहा है, जो भी दर्द महसूस किया है वो भुला दिया जाएगा। जो भी गलतियां आपने की है उसका अंत में कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपने जो भी गलत काम किए होंगे उसका भी कोई मतलब नहीं रहेगा। शॉर्ट में कहें तो हमारे लिए और आप सभी के लिए ब्रह्मांड की उम्र सिर्फ उतनी ही है जितना कि आपके जीवन की। और अगर हमारा जीवन ही वो सब कुछ है जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं तो यही वो चीज है जो हमारे लिए मतलब रखता है। अगर ब्रह्मांड का कोई उद्देश्य नहीं है तो हम खुद के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि हम किस से उद्देश्य पे अपने जीवन को बिताएंगे। अगर ब्रह्मांड का कोई पर्पस नहीं है तो हम पता करेंगे कि इसका क्या पर्पस है। हम मनुष्य का जीवन किसी न किसी दिन समाप्त होगा ही होगा, आज, कल या फिर कुछ समय बाद, लेकिन ऐसा होने के पहले हमें खुद को एक्सप्लोर करना है। हमें पूरी दुनिया की सैर करनी है, हमें फीलिंग्स एक्सपीरियंस करनी है, हमें एक्सपीरियंस करनी है किताबों को, डिलीशियस फूड और अपनों के साथ होने के समय को। ये सोचना काफी आसान है हम सभी के लिए कि हम काफी छोटे हैं ब्रह्मांड की दूसरी विशाल चीजों से।
पर ये सच नहीं है। एक्चुअली में हम उतने ही मायने रखते हैं जितना कि ब्लैक होल और नेब्यूला, या फिर कहे तो उससे ज्यादा ही। हम ब्रह्मांड के थिंकिंग और फीलिंग पार्ट हैं। ब्रह्मांड का दिल है हम। हम सभी आजाद हैं ब्रह्मांड के आकार के प्लेग्राउंड में, इसलिए हमें जीवन में एम रखना चाहिए कि हम खुश रहें और मदद करें विज्ञान को दूसरे तारों पर इंसानों का साम्राज्य बनाने में। हम नहीं जानते कि ब्रह्मांड के नियम वैसे ही क्यों हैं जैसे कि वो है। जीवन अस्तित्व में कैसे आया और आखिर जीवन है क्या? हमें कोई आइडिया नहीं है कि कॉन्शियसनेस क्या है और क्या हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं। लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं कुछ जवाबों को ढूंढने का। ऊपर ब्रह्मांड में खरबों तारे हैं जिसे हम सभी ने घूमना है। हमारी पृथ्वी पे ऐसे मेडिसिन तैयार करनी है जो हमें जितना हो सके बीमारियों से बचा के रख सके, और सबसे महत्वपूर्ण लाखों लोग हैं जिनकी हमें मदद करनी है। अगर तब भी आपके पास टाइम बचता है तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियो गेम्स टू फिनिश। तो अब आपने अपने निर्धारित समय के काफी पार्ट को यूज कर लिया होगा। अगर हमें सिर्फ एक ही जीवन मिला है तो हमारे पास सैड होने का कोई रीजन ही नहीं है। जीवन एक खेल है। बोनस पॉइंट्स, अगर आपने दूसरे के जीवन को शानदार बनाने में मदद की। मोर बोनस पॉइंट्स, अगर आपने इंसानों की मदद की गैलेक्टिक ह्यूमन एम्पायर बनाने में। वो काम करे जो आपको खुशी देती हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो काम आपके लिए क्या मायने रखता है।